दादा क्या बेच रहे हो? केला। यही कितने का है? साइड में ले लीजिए थोड़ा सा। हाँ ले। इधर छाव में लगा लीजिए, इधर इधर लगाया, इधर लगा लीजिए। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार चौबे। राम कुमार चौबे, तो ये आप केला बेचते हो? हाँ। तो इतना ही केला है आपके पास? नहीं और 2 करेट रास्ता है। अच्छा अच्छा, तो कितने का ये केला? ये हाँ 20 रुपये का होगा, 10-20 रुपये। 20 रुपये का? 20 रुपये का सारा दे दोगे? हाँ। अच्छा, तो कब से कब तक आप बेचते हो ये केला? अरे मेरे को बहुत दिन हो गया सर। अच्छा, मेरा परिवार था परिवार। हाँ परिवार था तब से बेच। परिवार था मतलब परिवार है नहीं? नहीं खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ संतोष जान खत्म हो गया, यहीं से छपे। क्या हुआ था उनको? बीमार थे। मेरे को आपसे थोड़ी बातचीत करनी है। अच्छा, तो आप इधर थोड़ा साइड में ले लो, ये रोड पे है। अच्छा, तो हम लोग बात करें। इधर इधर लगा लीजिए। बस 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 यही। ये आपका है ठेला? हाँ साहब हमारा है, उड़ाना लिया था, मालिया था उसी का था, वही लिए 1500। टूट गया सपवार से। टूट गया? हाँ देखो कमजोर से निकल गया। कितना कमा लेते हैं आप इससे? अरे 100-150 और क्या मिलेगा साहब, इससे ज़्यादा कहीं मिलता है? 1-2 रुपया मिलेगा, 10 का 8, 10 का 10 बेचता हूँ, 10 में छोटा रहेगा तो क्या मिलेगा, 2 रुपया 2.5 रुपया। अच्छा, दर्जन में मिल गया। तो केला कहाँ से लाते हो आप? संतोष के एक उत्ता उगम में। हाँ, तो वहाँ से केला खरीद के लाते हो फिर आप बेचते? हाँ उनको जो माल कतरे तो ले लेते हैं, वही जो हमारा बचता वही हमको। अच्छा अच्छा, हाँ आप समझ में आए कि उनसे आप लेते हो और फिर आप बेचते हो? हाँ भाव करके ले आता हूँ उनको। हाँ। दे देता हूँ जो हमारा बचता है वही। अच्छा, ऐसे करके करते हो? हाँ। ठीक है। घर में और कौन कौन है आपके? और एक पतोहू है, 3 महीने की लड़की है, वो बम्बई गई है, और 2 लड़के हैं, हम हैं, परिवार हमारा खत्म है। अच्छा अच्छा, लड़का कितने साल का है? लड़का एक 25 का है, एक 20-22 का है। अच्छा, क्या करते हैं दोनों? एक पढ़ता था, एक नौकरी करके अपना परिवार खिलाता। अच्छा, अपने परिवार को खिला। हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, हमने देखा आपके पास कि आप ऐसे धूप में घूम के केला बेच रहे हो, तो हम सोचे कि आपसे आके बातचीत करें। हाँ हाँ सर, आप क्या करें, यही तो रोज करता हूँ। चलिए, हम अगर आपकी मदद करना चाहें तो आपको क्या चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत है? बस साहब यही चाहिए और क्या। ये ठेला? हाँ बस ये मिल जाएगा तो अपना 2 करेट और बेचेगा, ज़्यादा सामान रखेगा। हाँ रखेगा तो गिर जाता है, और कुछ लगा ले। अब ऐसा करता हूँ बैठ जाता है अखा दिन ठेले हाथ कर लगे। चलिए समझ सकता हूँ, हम आपको ये जो है सो दिलवा देते हैं, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा ठीक है। हाँ, और थोड़ा माल सामान जो है। अच्छा, वो भी दिलवा देते हैं कि आप उसको आगे बेच सको, और फिर आप खुद का जैसे आप अभी लेके बेचते हो उधारी में। हाँ, या जिस तरह से, तो आप आगे खुद का अपना चला सको। हाँ, हाँ, कि आपको एक टाइम का माल सामान मिलेगा, फिर आपको उसको बेच के और दोबारा फिर नया माल खुद से डालना है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ आप चलिए, हम आपको जो ठेला होता है आपके पसंद का वो दिलवा देते हैं। अभी चलो? हाँ अभी चलिए। केला? केला मैं ले लूँगा। ठीक है। कहाँ चलना पड़ेगा? चलिए यहीं पे दुकान है ठेले का। अच्छा, तो वहाँ चलना पड़ेगा, मिनी बाजार है ना? हाँ यहाँ पे हम लोग का होता है दुकान, उसी से लेते अच्छा, हैं। अच्छा, तो आप एक बार चलिए तो आपको वो ठेले की मदद हो जाएगी। चलो तब ले चले। जी जी आ जाइए। ठीक है दादा, पसंद है ये? हाँ हाँ सर। ठीक है ना? हाँ। इसमें आपका ज्यादा सामान आ जाएगा। सही।
केला बेचेंगे? खाली केला? तो आपका जो लाड़ी का समस्या था कि आपको लाड़ी टूटा हुआ था और आपको बेचने में माल सामान तकलीफ हो रहा था, आप ज़्यादा सामान नहीं रख पा रहे थे। अच्छा। तो अभी आपका ये लाड़ी हो गया है और एक टाइम का हमने सामान भी दिलवा दिया, तो अब इसको बेच के दोबारा नया सामान लाना आपका काम है। हाँ साहब, तो है ही है, तो दूसरा लाएगा तब पैसे दे, है ना। हाँ। तो अब आगे धंधा करना है और अपनी जिंदगी को आगे ठीक। अरे साहब, बहुत बड़ा धन्यवाद आप कहते हैं, ना तो लटका पड़ा रहता है, टूटे जो है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे काफ़ी लोग होते हैं जो हम लोग को देख रहे होते हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो जो आज की आपकी जो मदद है वो दत्तानी फैमिली की तरफ से हुई है। अच्छा। तो उनके जो पिताजी हैं स्वर्गीय रणछोड़ दास। अच्छा। ठीक है। हाँ। और दूसरी उनकी माता है, उनके मेमोरी में उन्होंने आपको ये सपोर्ट किया है। अच्छा सर। ठीक है। अच्छा। तो बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है। हाँ सर, सही साहब, ठीक है। भगवान बस मिल गया, यही मैं खोज रहा था, लाड़ी नहीं है कैसे चलाऊं, यही सोचता था मन में, लेकिन आज भगवान ने सही। चलिए सब भगवान करता है किसी न किसी माध्यम से। आप मेहनत करते हैं वो बड़ी बात है। ठीक है। हाँ साहब, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, 2 रुपये 1 रुपये जो भी मिल जाए दर्जन से हमको संतोष रहता है, ये हार यार नहीं करता, खाने भर का अपना तो करेगा। चलिए वो बड़ी बात है कि आप मेहनत करके अपना जिंदगी चला रहे हैं और मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है। तो आप कितने बजे सुबह में चालू करते हो बेचना? मैं सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहता हूँ, 4 बजे के बाद रूम पे चला गया। अच्छा, सुबह से शाम के 4 बजे? हाँ, बस 4 ही बजे तक, 2-1 करेट लेता हूँ, जो बिक जाता है 50 मिले वही ले। चलिए अभी कुछ व्यापार में बढ़ोतरी होगा इससे? हाँ होगा। हाँ अभी तो यही लगाएगा, अभी नवरात्र चल रहा है तो एक दिन यही लगे। ठीक है। दूसरा आइटम देखेगा? दूसरा आइटम? हाँ दूसरा आइटम देखेगा, जब बिकने लगेगा दूसरा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। अरे चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, मैं इधर से गुजरूंगा तो आपसे मुलाकात करता हुआ जाऊंगा। अरे साहब, हम हरदम चला चाय पानी पिया ही आपको चला, अब और कौन सेवा करेगा। चलिए कोई सेवा की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलता हूँ मैं। चलो थैंक यू। ये इधर ही बेचते हैं क्या? ना सास, इधर ही कहीं नहीं जाते, सोसाइटी में सब दादा जी बात सुनती है ना, मां से इधर से फिर बस। अच्छा, तू देखता है? हेलो, कितने साल हो जाते रोज आते? हेलो, मैं फर्स्ट में था तब से आते। फर्स्ट में तब से आते? हाँ, बहुत दिन से पूछो भाई, रोज काम बस कहीं नहीं जाते। तो इनसे खरीदने का केला, मम्मी को बोलना इनसे केला कर दे। अरे ठीक है, भौजी को इससे दे दे। उसी हिसाब से कच्चा और पक्का दोनों हिसाब से ले लिया। अभी खुश हो ना? खुश हो, भैया को आशीर्वाद दो कि इतना सारा काम करे। लारी ताला मार के ध्यान रखना। चलो।